रहा है दोस्त, आप जैसे देखें आज मीटर के टावर पर, और हमारे पीछे बैकग्राउंड में एक चीज जो कि उलझी हुई है, उलझी हुई है अग्नि से छुड़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज मिल रही है, पर मैं फिलहाल बहुत ऊपर हूँ। चील है, ये टावर मुड़ी हुई है, मैं दूसरे टावर पर हूँ फिलहाल, और इसे छुड़ाने के लिए आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी चील कौवे आदि मंडरा रहे हैं। उलझने की एक ही वजह है, ये है चाइना का मांझा। उसे हम आराम से छत पर बैठ कर सुलझाएंगे, क्योंकि अगर टावर में से हम इस चाइना के लिए कुछ सपन से सुलझाते तो नहीं लगता इसे कोई नुकसान पहुंचाए, भी आराम से उड़ सकती है। बस इसके पंखों से हमें रिंग सुलझानी होगी। दोस्त आप जैसा देख रहे हैं, इसके परों में रील उलझी हुई है, हम अभी इसी रील को, ये रील यानी चाइना के मानिए को सुलझा देते हैं, और अब इसकी गांठ खोलते हैं। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे, एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। ये देखिए, इसने डर की वजह से कैसे सांपी को अपने पंजों में जकड़ लिया है, और अब हमें इसे उड़ाने के लिए इसके पंजों से पहले सांपी निकालनी होगी, लेकिन इसने इन्हें इस तरह से जकड़ लिया है, हम इसे उड़ाने वाले हैं। कैमरा सामने कहां से दिखा, ये देखिए किस तरह से डरी हुई चील बेचारी, लेकिन अब हम इसको उड़ाएंगे, इसे बेचारी बहुत बहुत भूख और प्यास भी लगी। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। आए, इस तरह से हमारी मेहनत से पल हुई, हमें बहुत खुशी हो रही है। वैसे देखिए मुझे बहुत पसीना आ गए हैं, और मेरा मुंह भी किस तरह से हो गया है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है इसे उड़ाकर। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता मुझे कितनी खुशी होती है ऐसे पक्षियों को आजाद करके। मैं इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ जैसे मुझे अभी रुपयों से भरा बैग मिल गया हो। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे।